वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ये जान चुके हैं कि एक दिए गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को किस तरह से हम लोग कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट प्रूव करें। यानी क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा यही क्वेश्चन था, बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यहां पे कहा जा रहा है Which of the following pair of linear equation is consistent, inconsistent? सबसे पहले जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था कि कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है कौन सा नहीं है, उस तरीके से हमें बताना है। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन वी नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली, ग्राफिकल मेथड से हमें तब इसका सॉल्यूशन निकालना है। ये आप लोगों को मालूम है कि कंसिस्टेंट कब होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगर हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है या हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है। अगर हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होता है। कोई सॉल्यूशन कब नहीं मिलता है? जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पैरेलल लाइंस होती हैं, वो दोनों एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं करती हैं। ग्राफिकल मेथड का मतलब है कि हमें वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना होते हैं, वो कॉमन पॉइंट्स निकालना होते हैं जो दोनों लाइंस में, इस पेयर में उन दोनों लाइंस में जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं वही हमें सॉल्यूशन मालूम होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलता है। और साथ साथ इनके कोएफिशिएंट को कंपेयर करके भी हम बता सकते हैं कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा तो कंसिस्टेंट लाइन होगी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे और यहां पे भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट कहलाएगा। लेकिन अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 मिलता है तो फिर हमें पैरेलल लाइंस मिलती हैं। कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए सबसे पहले हमें इनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। कोएफिशिएंट्स को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म a1x + b1y + c1 = 0 एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो से कंपेयर करके ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए x का जो कोएफिशिएंट है वो ए वन होगा, ए वन इक्वल टू वन है, यहाँ देखिए बी वन इक्वल टू वन है और c1 की वैल्यू हमें 5 मिल रही है। नेक्स्ट आप ए टू इक्वल टू टू लेंगे, बी टू इक्वल टू 2 लेंगे एंड c2 इक्वल टू 10 मिला। यहाँ पे हमने जो कंपेरिजन किया है वो a1x plus b1y minus c1 ना करके इक्वल टू c1 के फॉर्म में किया है। आप अगर इससे कंपेयर करेंगे तो हमें माइनस 5 और माइनस 10 मिलेगा, वो भी कोई गलत नहीं है। आप चाहे तो c1 इक्वल टू माइनस 5 एंड c2 इक्वल टू माइनस 10 भी लिख सकते हैं। जैसे हम रेशियो निकालेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब आप लोग देखें इनका रेशियो, a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1 बाई 2 है, b1 अपॉन b2 की वैल्यू भी 1 बाई 2 है और c1 अपॉन c2 की वैल्यू माइनस 5 बाई माइनस 10 दिस इज आल्सो 1 बाई 2। तो ये कौन सा सिचुएशन होता है जब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 ये तीनों रेशियो बराबर होते हैं तो उस केस में हम बोलते हैं कि हमें कॉन्सिडेंट लाइन सेगमेंट मिल रहा है, दोनों एक के ऊपर एक दूसरे को ओवरलैप करती हुई एक लाइन निकल जाएगी। तो यहाँ पे हमें कॉन्सिडेंट लाइंस मिल रही है, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब है कि लाइंस कंसिस्टेंट होंगी, लाइंस आर कंसिस्टेंट। ये जो हमारा लाइन सेगमेंट है ये कंसिस्टेंट हुआ। अब क्वेश्चन है कि सबसे पहले आप ये पता करिए कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। हमने बता दिया यस दिस इज कंसिस्टेंट। उसके बाद कहा कि अगर ये कंसिस्टेंट है तब इसका सोल्यूशन ग्राफिकल मेथड से निकालिए। तो हम लोग देखें इसका सोल्यूशन हम लोग ग्राफिकल मेथड से किस तरह से निकाल सकते हैं। ग्राफिकल मेथड से निकालने के लिए हमें इन दोनों लाइंस को ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करना होगा और ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कम से कम दो सोल्यूशन इन दोनों लाइंस के ले लेना है। फर्स्ट लाइन अगर हम लें एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव, यहाँ पे देखिए हम इसके दो सोल्यूशन कोई भी ले सकते हैं x और y। जब हम यहाँ पे x इक्वल टू जीरो रखेंगे तो हमें y की वैल्यू 5 मिल जाएगी, जब हम y इक्वल टू जीरो रखेंगे तो हमें x इक्वल टू 5 मिल जाएगा। इसका मतलब 0, 5, 5, 0 ये दो पॉइंट से ये लाइन सेगमेंट हमारा जाएगा। तो आप देखिए हम लोग 0, 5 को रिप्रेजेंट कर दें, 1, 2, 3, 4, 5 दिस इज 5 एंड 1, 2, 3, 4, 5 0, 5 x इक्वल टू जीरो y इक्वल टू 5 दिस इज द पॉइंट 0, 5। नेक्स्ट 5, 0 x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 0 दिस इज पॉइंट 5, 0। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होगी ये लाइन हमारी x प्लस y इक्वल टू 5 को रिप्रेजेंट करेगी।
नेक्स्ट लाइन आप देखें, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। यहाँ पे आप जैसे ही x इक्वल टू 0 रखेंगे तो आप देखिए क्या मिलेगा आपको, x इक्वल टू 0 रखने पर 2y इक्वल टू 10 मिलेगा, यानी y इक्वल टू 5 मिल जाएगा। x इक्वल टू 0 पे y 5 मिलता है, और जैसे ही हम y इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2x इक्वल टू 10 मिलेगा, यानी कि x इक्वल टू 5 मिल जाएगा। तो सेम यही पॉइंट यहाँ पे मिले 0 5 5 0। तो जो दूसरी लाइन है वो भी हमारे ठीक इसी के ऊपर से होकर गुजर जाएगी। इसका मतलब कि ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। आप देखें हर एक पॉइंट दोनों लाइंस पे लाई करेगा, कोई भी पॉइंट हम ले लें वो पॉइंट दोनों लाइन पे होगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप करती हुई जा रही हैं। तो हम सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, y इक्वल टू 5 माइनस x, वेयर x इज एनी वैल्यू, दैट इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इन फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट रोमन, हमारा सेकंड रोमन अगर सॉल्व करें, x माइनस वाई इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। यहाँ पे हम सबसे पहले कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, a1 इक्वल टू हमें 1 मिलेगा, b1 इक्वल टू हमें माइनस 1 मिल जाएगा, एंड c1 इक्वल टू a1 x प्लस b1 y प्लस c1 से कंपेयर कर रहे हैं तो c1 इक्वल टू हमें माइनस 8 मिल जाएगा। यहाँ से देखें a2 इक्वल टू 3 मिलेगा, b2 इक्वल टू माइनस 3 मिलेगा, एंड c2 इक्वल टू माइनस 16 मिल जाएगा। अब आप इनके कोएफिशिएंट्स के रेशियो को कंपेयर करें, a1 अपॉन a2 1/3 मिला, b1 अपॉन b2 भी 1/3 मिला, एंड c1 अपॉन c2 हम देखें माइनस 8 बाई माइनस 16, दिस इज 1/2। यहाँ पे हमें मिल रहा है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। A1 upon A2, B1 upon B2 तो बराबर है, लेकिन C1 upon C2 बराबर नहीं है। ये दोनों 1/3, 1/3 और ये 1/2 है। ये सिचुएशन कौन सी होती है, आप सभी लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि ये सिचुएशन पैरेलल लाइंस की होती है। सो पैरेलल लाइंस हैं ये, और पैरेलल लाइंस हम जानते हैं कि एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कि यहाँ पे नो सोल्यूशन होता है। सो देयर इज नो सोल्यूशन, और नो सोल्यूशन के केस में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, इस तरह से हमने बता दिया कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा। थर्ड रोमन की हम बात करें, हमारी इक्वेशन दे दी गई है 2x plus y minus 6 equal to 0 and 4x minus 2y minus 4 equal to 0। इनको हम कंपेयर करेंगे, a1 इक्वल टू 2 है, b1 इक्वल टू 1 है, एंड c1 इक्वल टू माइनस 6 है। सेकेंड इक्वेशन में a1 इक्वल टू 4 है, b1 इक्वल टू माइनस 2 है, एंड c1 इक्वल टू माइनस 4 है। लेट अस चेक रेशियो, a1 अपॉन a2 की वैल्यू हमें मिल रही है 2/4, दिस इज इक्वल टू 1/2। b1 अपॉन b2 की वैल्यू मिल रही 1/-2, दिस इज -1/2, एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यू मिल रही -6/-4, दिस इज 3/2। आप देख सकते हैं कि a1 upon a2 और b1 upon b2 बराबर नहीं है। a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। तो ये कौन सी सिचुएशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन की सिचुएशन है। यहाँ पे हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, इसका मतलब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। सो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस इज यूनिक सॉल्यूशन, सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। हमने बता दिया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है। क्वेश्चन था कि अगर कंसिस्टेंट मिलता है तब आप उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके बताएंगे कि क्या सोल्यूशन है। हमें कंसिस्टेंट मिल गया है, अब हम ग्राफिकली इनको सॉल्व करने जा रहे हैं कि क्या इनका सोल्यूशन होगा। हमें सबसे पहले इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के अगर हम दो सोल्यूशन निकालना चाहें तो x और y, देखिए जैसे हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें y की वैल्यू 6 मिल जाएगी, और जैसे ही हम इस इक्वेशन में y इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 6 यानी x इक्वल टू 3 मिल जाएगा। तो 0, 6 एंड 3, 0 ये दो सॉल्यूशन मिले पहले इक्वेशन के, इनको हम लोकेट करेंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हमारा 6 है। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6। नेक्स्ट आप देखें हमें 0, 6 देना, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6, तो ये हो गया हमारा 0, 6।
आर है 3.0, तो एक्स इक्वल 1, 2, 3 एंड वाई इक्वल 0, ये हमारा पॉइंट 3.0 हो गया। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, ये जो इक्वेशन है हमारी, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी 2x + y - 6 = 0। नेक्स्ट इक्वेशन के कोई दो सोल्यूशन निकालें, हमारी इक्वेशन है 4x - 2y - 4 = 0, इसमें हम दो से भाग दे सकते हैं, तो 2x - y - 2 = 0 हमें इक्वेशन मिली। अब आप देखें x और y, जैसे हम यहाँ पे x इक्वल टू जीरो रखेंगे तो हमें y की वैल्यू -2 मिलेगी, और जैसे हम इसमें y इक्वल टू जीरो रखेंगे तो हमें x की वैल्यू +1 मिलेगी। y इक्वल टू जीरो, सो 2x - 2 = 0, 2x = 2, सो x = 1। अब हमें 0, -2 और 1, 0 से होके जाने वाली लाइन ड्रॉ करना है। 0, -2, x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू -2, तो नीचे आ जाएंगे, ये है 0, -2। नेक्स्ट है 1, 0, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, ये हमारा 1, 0 हो गया। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे हम, ये देखिए ये जो लाइन है हमारी, ये अप्रॉक्सीमेटली 4x - 2y - 4 = 0 की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम लोग इसको ग्राफिकली देखेंगे, ग्राफ पेपर में आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन मिलेगा, यहाँ पे हम लोग लगभग अप्रॉक्सीमेटली ये देख रहे हैं कि क्या सोल्यूशन मिल सकता है। जैसे हम इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से y एक्सिस और x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2, यानी ये पॉइंट 2, 2 की पोजिशन में है, तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के एक सोल्यूशन मिल जाएगा। ग्राफिकली हम इस तरह से बता सकते हैं, आपको दोनों लाइंस रिप्रेजेंट करना है, उन दोनों लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट की पोजीशन देख लेना। इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा ये था, इससे हमने x एक्सिस पे और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाले, x एक्सिस पे ये 2 की पोजीशन में आया, y एक्सिस पे 2 आया, तो हमने बता दिया 2, 2 इस पॉइंट की पोजीशन है। फर्स्ट ऑर्डिनेट हमारा x है, सेकेंड y है, तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक सोल्यूशन होगा। इस तरह से हमने ग्राफिकली इसको निकाल दिया है। कंपेयर करें, a1 की वैल्यू है x का कोएफिशिएंट 2, b1 की वैल्यू है y का कोएफिशिएंट -2, c1 की वैल्यू कांस्टेंट टर्म -2। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन में a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -4 एंड c2 की वैल्यू -5। लेट अस चेक, रेशियो a1 अपॉन a2 मिलेगा 2/4, 1/2 मिला, b1 अपॉन b2 मिला -2/-4, 1/2 मिला, और c1 अपॉन c2 को हमने देखा -2/-5, ये 2/5 मिला। अब आप देखें यहाँ पे हमें मिल रहा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये पोजीशन हमारी पैरेलल लाइंस की होती है, और पैरेलल लाइंस का मतलब है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा। सो दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इस तरह से हमने इसके चारों रोमन पार्ट्स सॉल्व कर लिए हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। ये क्वेश्चन आप लोग 8th क्लास में लगा चुके हैं, इसी को हमें यहाँ पे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, आयताकार एक बगीचा है, और इस गार्डन में जो कंडीशन दी गई है कि इसकी लेंथ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है। हमने माना कि इसकी लेंथ x है और इसकी ब्रेथ y है, तो फर्स्ट कंडीशन हमें मिल जाएगी लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, माने x - y = 4। सो लेट अस स्टार्ट, लेट द लेंथ ऑफ गार्डन इज x मीटर एंड ब्रेथ इज y मीटर। हमने मान लिया कि लेंथ इसकी x मीटर है, ब्रेथ y मीटर है, सो फर्स्ट कंडीशन है हमारी, फर्स्ट कंडीशन की जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है, यानी कि लेंथ में अगर हम ब्रेथ घटाएंगे तो हमें 4 मीटर मिल जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट सिचुएशन देखें, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। पेरीमीटर क्या होती है रेक्टेंगल की, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ ये पेरीमीटर होती है, और इसका हाफ ये दिया गया है 36 के इक्वल, ये हमारी सेकंड कंडीशन।
तो सेकंड कंडीशन में कह दिया गया कि हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू 36। अब हम लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू हमें मिल गया 36। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना है। सॉल्व कैसे करेंगे, अभी तक हमने सिर्फ ग्राफिकल मेथड पढ़ा है, हमें इन इक्वेशंस को सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन के हमें क्या सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन के अगर हम सॉल्यूशन निकालें तो हमें जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -4 मिली, जब y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू +4 मिली। तो एक तो हो गया 0, -4 एंड 4, 0। नेक्स्ट इक्वेशन आप देखें x प्लस वाई इक्वल टू 36 है, यहाँ से अगर हम दो सॉल्यूशन निकालने की बात करें, जैसे ही हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें y की वैल्यू 36 मिलेगी, और जब y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 36 मिलेगी। ये बड़े बड़े ऑर्डिनेट्स हैं, इनको ग्राफ पेपर में जब आप एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करेंगे तभी हम लोग इनकी एग्जैक्ट सिचुएशन पा सकते हैं। यहाँ पे हम रफली करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें 36 रिप्रेजेंट करना है, इसलिए हम मान लेते हैं 4-4 के इंटरवल्स में 4, 8, 12, 16, ये हमारा 32 एंड दिस इज 36। और आप देखें यहाँ पे 4, 4, 8, 4, 16, 4, 5, 20, 4, 6, 24, 4, 7, 28, 4, 32, 4, 9, 36, ये हमारा 36 की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप देखें सबसे पहले हम 0, -4 को लोकेट करेंगे, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -4, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, एंड 4, 0, दिस इज x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी इन दोनों पॉइंट से होके जाने वाली लाइन होगी। ये जो लाइन है ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4 को रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट जब हम x प्लस वाई इक्वल टू 36 को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें 0, 36 एंड 36, 0 को लोकेट करना है। दिस इज 36, 0 एंड दिस इज 0, 36, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन हमारी सेकेंड लाइन होगी x प्लस वाई इक्वल टू 36। अब आप देखें जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन के लिए आप लोग x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे एंड y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। एग्जैक्ट पोजीशन आप लोग जब ग्राफ पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मिलेगा। यहाँ पे हम रफली बता सकते हैं कि x इक्वल टू 20 आ रहा है एंड y इक्वल टू 4, 8, 12 और ये 16, y इक्वल टू 16 आ रहा है। तो इस पॉइंट की जो पोजीशन है वो 20, 16 है, यानी हम कह सकते हैं x इक्वल टू 20 एंड y इक्वल टू 16 मीन्स लेंथ इज 20 मीटर एंड ब्रेथ इज 16 मीटर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशंस।